थोड़े से ही केक में जैसे लग रहा है इसका पेट भर गया है। देख सकते हैं पतले में जरूर है लेकिन बहुत केक खाते हैं। वैसे बहुत लोग पूछ रहे थे कि आपका भाई कहाँ है, आपका भाई कभी भी व्लॉग में दिखता नहीं है, तो आज देखिए जी आज आप सबको नए साल के अवसर पर अपने भाई से मिलवा रहे हैं। तो ये है हमारा भाई, मेरा नाम है सोनू जिसका नाम है मोनू, और हमारा जो निक नेम है वह है सोनू मोनू, और जो हमारा सर्टिफिकेट नेम है वह है कुमार शाश्वत और कुमार अभिषेक। तो कुछ बोला जाएगा आप सभी को सीधा बोलो जो मन में आ रहा है, सोचना नहीं है जो बोलना जी हमें तो खिला दी है, इसको हम नहीं खिलाई थी। अच्छे से खाओ थोड़ा सा। तो मेरा भाई आज ही लखनऊ से आया है, वह लॉकडाउन में फंस गया था और उसका जो भी आगे का प्रोसेस था, इसको LLB का डिग्री लेना था और कुछ भी था ऑफिशियल प्रोसेस वही बताएगा अच्छे से, तो उन सब के कारण वह उधर ही फंस के रह गया। 6 मार्च को गया था और आज आया है, तो यह हो गया है लॉकडाउन की वजह से। दोनों भाई को प्रेम से रहिए और एक दूसरे में सामंजस्य बना के रखिए, ये चाहते हैं तुम दोनों भाई इस तरह से रहो, तुम दोनों को देखकर दुनिया को संदेश जाए काश मेरा भी परिवार ऐसा ही। यस सर। तुम्हारा डायलॉग नाम ही हो गया है। दीदी एकदम फेमस है कि टिकटॉक पर भी फेमस थी और यूट्यूब पर भी। Tomorrow. ठीक है चलो। ये लग गया जी हमारा नाश्ता। हाँ कोई बात नहीं, तुमको भी नहीं खाना है दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं। देना है नहीं हमें ज्यादा पसंद है ना। ये लीजिएगा ये क्या है चुकंदर? नहीं तुम खाओ हमको नहीं खाना है। और इधर आते हैं किचन में, देखते हैं जिया क्या कर रही है, पूरा प्याज काट रही है और इधर जो है मटर को फ्राई कर रही है। क्या बात है, किस चीज की तैयारी है? अरे पूछने की जरूरत भी नहीं है, बगल में है चूड़ा। आप ऐसे बहुत लोग इसे पोहा बोलते होंगे, तो आज ये बन रहा है चूड़ा फ्राई, और हम बिहार के लोगों को झालमुनी और चूड़ा फ्राई आए है। शाम का नाश्ता तो इसके बिना होता ही नहीं। अलार्म बज रहा है, एनी टाइम अलार्म लगा करके रखती है बेचारी को, टाइम का ख्याल रहता नहीं है कितना बजा है, तो जब घंटी बजते रहता है समझ में आ जाता है कि कुछ काम पेंडिंग है ना। गंदगी फैला हुआ है, उसको हम साफ कर रहे हैं, तो करो साफ। सारा इनका बुक है आधा से ज्यादा और समेट रहे हैं वो। बिल्कुल जी, और ये सब जो सारा बुक है NCERT का 6th class से लेकर के 12th class तक का हमने मंगवाया था। हमने एक समय जोश चढ़ा था कि सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, और कुछ ही दिन पहले वो जोश उधर गया फिर। अब उनका चला है, उतरने नहीं। लेकिन अब जो है मेरा भाई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, और वह क्या तैयारी कर रहा है बताएंगे जी कभी किसी और ब्लॉग में, या इसी ब्लॉग में बताते हैं। होता है ना सर, बता देता है तो परीक्षा निकलता नहीं है। बिल्कुल जी, बहुत बार हुआ ऐसा हम लोगों के साथ। लेकिन कुछ बुक्स मिसिंग है, शादी के टाइम पे जो है ना किशन घर पैकिंग किए थे, उसे वो सारा किताब जो है दिया नहीं था, वो किताब दुकान वाला सारा नहीं दिया था ना, कुछ कुछ बाकी था। और जी मेरी माँ को और मेरे भाई को एक किस्सा बहुत ज्यादा याद है, जब हम शायद 9th में थे या 10th में थे तो एक साइंस का किताब मंगाया था एस चांद का। क्या हुआ था ना कि हमको जोर सर रहा था कि एस चांद का एक किताब पढ़ेंगे हम, किसी सुने थे कि एस चांद में अच्छा खासा नॉलेज मिलता है, और एस चांद का हम जबरदस्ती मंगवा लिए, और जब मंगवा लिए उसको पढ़े कुछ नहीं,
तो दीदी आज तक ताना देती है, ऐसा चांद का जो किताब मंगवाया है तुम, जो पैसा बर्बाद किया है। और कहानी बताते हैं, एक बार क्या हुआ था, हमें जोश चढ़ा था कि जेएनयू में जो है फॉरेन लैंग्वेज का स्टडी करेंगे। तो हम ये था उस समय दिल्ली में और हम थे यहाँ पर, तो मेरा भाई समझ गया था कि इसको तैयारी करने का कुछ मन है नहीं, बस हवाबाजी कर रहा है। तो इसको बोले थे कि तुम जो है वो खरीद लो, लेकिन ये खरीद ही नहीं रहा था। तो हमको उठ गया गुस्सा कि ये खरीद क्यों नहीं रहा है, तो एक बार डांट दिए हम। तब जो है ये जेएनयू जा करके लाया, तो ये जेएनयू जा करके वहां से वो खरीद करके लाया। और जैसा कि इसको मालूम था, जैसा कि इसको अंदाजा था, हुआ भाई तो वो पड़ा हमारे बगल में कुछ रखा हुआ है। तो वो नारंगी हमको दे दो, दो टका रोज पे। और ये आ गया हमारा चूरा फ्राई, मेरा नहीं है तब किसका है? बहुत बढ़िया, दो ठो हमें खाएंगे। जी भगवान की कृपा से आज हम लोग साथ बैठ करके नाश्ता कर रहे हैं। मेरा भाई तो पिछले 9 महीने से लॉकडाउन में फंसा हुआ था कहीं जी, काफी कम ही मौका मिलता था कि हम लोग एक साथ रह सके, क्योंकि इसका कॉलेज रहता था किसी और सिटी में और मेरा ड्यूटी रहता था किसी और में। काफी कम ही मौका होता था कि हम लोग घर आ पाते थे, छुट्टी में आते थे जब इसका सेमेस्टर का छुट्टी होता था, या कभी मिड सेम के टाइम छुट्टी मिल जाए, या मुझे अपने काम से छुट्टी मिल जाती थी। और देखिए जब मौका मिला कि हम दोनों साथ रह सकते थे, इसका कॉलेज ख़त्म हो गया और मेरा जो है वर्क फ्रॉम होम चलने लग गया, तो यह लॉकडाउन में लखनऊ में फंस गया और लगभग 9 महीने तक वहाँ फंसा रहा और अब आया है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही हम लोग का साथ बनाए रखे और हम लोग परिवार के साथ समय बिता सके। तो जी आज लेते आए अपने भाई को अपने ब्लॉग में। आप में से बहुत लोग कमेंट करते थे कि आपका भाई नहीं है क्या, आपका भाई कभी ब्लॉग में नहीं दिखता, कहाँ है आपका भाई। तो आज उम्मीद है कि आज उन सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। यह लखनऊ में लॉकडाउन में फंसा हुआ था और आज 9 महीने बाद घर आया है, और अब इसको भी ब्लॉग में लाते रहेंगे जब तक यह यहाँ पर है और जब तक हम भी यहाँ पर हैं, जब तक यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, और फिर आगे लाते रहेंगे ब्लॉग में और देखते रहिए आगे। तो इस व्लॉग को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कर दें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और साथ में एक शेयर जरूर कर दें। आपके एक शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट। अच्छा नोटिफिकेशन के बारे में नहीं बोले, तो जी नोटिफिकेशन बेल आइकन भी जरूर दबा लें ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।